हरियाणा रोडवेज की बस की तेज गति ने एक युवक की ले ली जान। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इंद्री लाडवा रोड पर हरियाणा रोडवेज की बस ने एक मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद बस का ड्राइवर कंडक्टर मौके से फरार हो गए। मृतक का नाम किशोरी लाल बताया जा रहा है और वह इंद्री के गाँव रैयत खाना का रहने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा रोडवेज की बस यमुनानगर की यमुनानगर से दिल्ली जा रही थी। बाइक रेहड़ी चालक गांव धूमसी से जैसे ही लाडवा इंद्री रोड पर चढ़ने का प्रयास किया तो तेज गति से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह बस के नीचे आ गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस बहुत ही तीव्र गति से आ रही थी, जिसके कारण यह हादसा हुआ है और हादसे के बाद ड्राइवर व कंडक्टर बस को छोड़कर मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। बस में काफी सवारियां थी लेकिन सभी यात्री सुरक्षित रहे, किसी को कोई चोट नहीं लगी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पहुंचकर शव को बस के नीचे से निकाला गया। पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर बस चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये बंदा कर अपनी साइड तक करे तो ये अपना कट मारे ना कि गली का नीचे ले गया। अच्छा, मौके पर ड्राइवर कनेक्ट उसी जाम बात किया सर। अच्छा। कम से कम 20 मिली में छाड़ा मारी इसको दबे ने और तीन साथ ही लिया सर। 100 नंबर है फोन करा वो भी पौने घंटे बाद आए। अच्छा, अभी 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद जो अपना दूसरी भी आई नीचे निकाला कराई तो डेड बॉडी बस के नीचे से निकाल ली। हाँ, बस के नीचे निकाल ली। अच्छा, तो ये तो जो ये रेडी वाला है ये गाँव में से आ रहा है इधर से। जैसे ही इसने चढ़ाई तो लाडवा की तरफ से बहुत तेज गति से बस आ रही थी और उस बस वाले से वो बस कंट्रोल नहीं हुई तो उसके कारण ये एक्सीडेंट हो गया और मौके डेथ हो गई। तो काफ़ी तेज गति बहुत ज़्यादा तेज ओवर तेज और ये हम सुनते भी हैं। मैं एक समाज सेवी हूँ, मैं भी घूमता फिरता हूँ, मुझे पता है कि ये जो ड्राइवर होते हैं ना जो लॉन्ग रूट वाले हैं ये तो बिल्कुल आराम से तो चलाते ही नहीं। अगर कोई इनको अंदर सवारी बैठी हुई है कोई उनको उनको बोल दे भाई तुम आराम से चला लो ठीक चला लो तो उसको हादसे इनकी ओवर स्पीड ओवर कट इनकी वजह से सरकारी बस वाले एक्सीडेंट करते हैं। हरियाणा रोडवेज यमुनानगर की डिपो की बस थी और एक आदमी इधर से गोमसी की तरफ से ऑटो रिक्शा जो सामान ढोने वाली मोटरसाइकिल और उसने रास्ता बना रखी है उससे आ रहा था जो यहाँ गोमसी अड्डा के पास बस के नीचे आ गया, एक्सीडेंट हो गया जिसकी मौका पर ही मृत्यु हो गई। तो बस दिल्ली से यमुनानगर से दिल्ली का बोर्ड लगा हुआ था, ये नहीं पता चल सका कि वो एक्चुअल में कहाँ जा रही थी। हाँ, बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों फरार हैं, दिखाई दे रहा नज़र आ रहे हैं। नाम का अभी कंफर्म नहीं कर सकते लेकिन वार्ड आएंगे पहचानेंगे उसके बाद ही क्लियर किया जा सकता है।